स्टूडेंट्स, मैं हूँ आबिद अली। आज से हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की। तो चैप्टर 1 पे हम पहले डिस्कस करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 1। इससे पेपर पॉइंट व्यू से क्या इम्पोर्टेंस की हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो आज इसका हम देखेंगे। पेपर पॉइंट व्यू से अगर बात की जाए तो जो टोटल पेपर है आपका, इसमें से 10 मार्क्स का आपको पेपर आता है। आपको पहले पेपर पैटर्न मैं बता देता हूँ। पेपर पैटर्न जो है वो किस तरह से है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन कितने होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं और एमसीक्यूज कितने होते हैं। तो बोर्ड पैटर्न की अगर बात की जाए तो आपका पेपर जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। तो टोटल मार्क्स जो आपके पेपर में टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर होता है और इसकी डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि एमसीक्यूज जो हैं वो आपको 15 एमसीक्यूज जो हैं वो इसमें से आपको आते हैं। और एमसीक्यूज वही होते हैं जो आपकी किताब के अंदर जो है वो एक्सरसाइज से लास्ट में लिखे होते हैं, उसी में से आपको 15 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है इसका, क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड क्वेश्चन जो होता है आपका वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी 3 सेक्शंस बने होते हैं, हर सेक्शन में से आपने जो है वो 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से होंगे, इसमें सेक्शंस बने होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3। पहले सेक्शन में आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और आपने 6 करने होते हैं, 9, 6, और इसमें से भी आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो टोटल आपको 18 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 18 2 मार्क्स के लिहाज से 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपके। उसके बाद लास्टली जो बात आती है वो आती है लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो होते हैं पांच आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके 8 नंबर होते हैं। तो टोटल 24 मार्क्स हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन जो है वो आपको कंपलसरी होता है, उस क्वेश्चन का लिंक जो है वो थ्योरम्स के साथ होता है। थ्योरम्स का क्वेश्चन जो है वो आपका कंपलसरी होता है। थ्योरम्स क्या होते हैं वो उसको भी हम चैप्टर नंबर जो आपका 12 है और 16 है उसमें ये दोनों चैप्टर्स आपको थ्योरम्स के लिहाज से किए जाएंगे। थ्योरम्स क्या होते हैं इनकी बात भी करेंगे जब हम इनको पढ़ेंगे। तो कंपलसरी जो क्वेश्चन होता है वो आपका थ्योरम्स का होता है। थ्योरम्स की ऑप्शन इस तरह से होती है कि 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16, ये आपको करने पड़ते हैं 2 चैप्टर्स, फिर जाके आपका 1 थ्योरम जो है आपका कवर होता है। और चैप्टर नंबर 12 को वैसे इसके थ्योरम जरा आसान होते हैं, होते तो 16 की भी आसान ही है लेकिन 12 के जरा ज्यादा आसान होते हैं, इसलिए हम इसको प्रेफर करेंगे और साथ में चैप्टर नंबर 16 भी करेंगे, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो चैप्टर नंबर 12 जो है उसके थ्योरम भी हम देखेंगे। और थ्योरम्स में ये होता है कि आपको एक ही क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का थ्योरम होगा। वैसे तो दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें ये होगा, ए बी पार्ट होते हैं, एक पार्ट मतलब चैप्टर 1 में से आया तो दूसरा पार्ट चैप्टर 2 में से, तो ए बी पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। थ्योरम्स में कोई पार्ट नहीं होते, थ्योरम एक ही क्वेश्चन होता है और एक ही क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका थ्योरम से क्वेश्चन होता है। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका मैट्रिक्स के
हवाले से है। अगर मैट्रिसेस की बात की जाए तो इसमें से पेपर में 75 मार्क्स जो हैं वो आपके 10 मार्क्स का पेपर आपका मैट्रिसेस में से होता है। इसमें से 2 एमसीक्यूज और 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका इसमें से बनता है। तो टोटल 10 मार्क्स इसमें से आपके आते हैं। चैप्टर अगर ये बात की जाए तो आप लोगों के लिए चैप्टर न्यू है, मतलब कि जो आपकी पिछली क्लासेस थी, अगर 7th क्लास की बात की जाए, 8th क्लास की बात की जाए, उसमें से आप लोगों ने जो अलजेब्रा का पोर्शन है वो तो किया हुआ है, लेकिन मैट्रिसेस आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं, सबसे आसान जो पोर्शन है 9th क्लास का वो मैट्रिसेस ही हैं। तो मैट्रिसेस को हम स्टार्ट करते हैं जी। आज हम बात करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स क्या होता है। आप लोग जानते हैं रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल कैसी शेप होती है, शेप होती है रेक्टेंगल, जिसमें दो ऑपोजिट साइड आपस में लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। और हर एंगल इसमें 90 डिग्री का होता है, तो ये शेप से आप फेमिलियर हैं। अगर यहां पर मैं कुछ नंबर्स को अरेंज कर देता हूं, मिसाल के तौर पर 5, 6, 7, 0, -2 और -3 और 2, ये जब नंबर मैंने अरेंज किए हैं, ये अरेंजमेंट मैंने किसके ऊपर किया है, ये रेक्टेंगल के ऊपर किया है अरेंजमेंट मैंने। अगर मैं इस रेक्टेंगल को यहां से रिमूव कर देता हूं, तो ये अरेंजमेंट जो मैंने की थी ये किसके ऊपर की थी, रेक्टेंगल के ऊपर की थी। अब इस अरेंजमेंट को, ये नंबर्स अरेंज है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही बोलते हैं या इसको रेक्टेंगुलर अरे भी बोलते हैं। अरे अरेंजमेंट से ही निकला है, तो अरे बोल दें या अरेंजमेंट बोल दें, दोनों ही वर्ड इसके लिए ठीक है। इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को अगर मैं, ये ब्रैकेट्स आप लोग इसको भी जानते होंगे, ये ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं, स्क्वेयर ब्रैकेट्स। अगर इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैं स्क्वेयर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देता हूं, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को नंबर्स की मैंने स्क्वेयर ब्रैकेट में अरेंज कर दिया, तो इस शेप को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। तो इसको जरा थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो बात हमने की है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाना, उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ब्रैकेट्स में, स्क्वेयर ब्रैकेट्स में बंद कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को अगर आप स्क्वेयर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं जी। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट चले हम इसको इधर लिख लेते हैं, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपकी किताब के ऊपर, इसको अरे लिखा हुआ है, अरेंजमेंट लिख दें या अरे लिख दें, एक ही बात है, चलें किताब के ऊपर अरे लिखा हुआ तो मैं इसको अरे ही लेके चलता हूं। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन ए पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट्स में जब हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को इनक्लोज मतलब बंद कर देते हैं, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो उसको हम नाम क्या देते हैं, मैट्रिक्स का नाम देते हैं इसको। तो मैट्रिक्स को
यूजली डिनोट किया जाता है, मतलब कि नाम रखा जाता है उस तरह, जिस तरह हम लोग जब पैदा होते हैं हमारे नाम रखे जाते हैं, तो इसी तरह से मैट्रिक्स हैं इनको भी डिफरेंट सिंबल्स आप कह लें या नाम कह लें इनको अलॉट किए जाते हैं ताकि इनकी पहचान रह सके। तो इनको जो हम नाम देते हैं वो कैपिटल ए बी सी से, इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल लेटर से होती है, ए बी सी डी अप टू सो ऑन जेड, किसी भी हम सिंबल से इसको अलॉट कर सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं यहां पर एक पॉइंट बना लेते हैं, ये नोट आप कह दें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से। पहले तो इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है, इसमें एलिमेंट जो है 1, 2, 3, 5, इसको ब्रैकेट में नाम क्लोज किया हुआ है और इसको नाम क्या दिया हुआ है मैंने, ए का नाम दिया। आप इसको बी सी डी ई कैपिटल लेटर से इसको नोट करना है आपने, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। मैट्रिसेस हम कह सकते हैं, मैट्रिसेस आर यूजली डिनोटेड by capital alphabetical तो capital alphabetic letters जो है उससे इसको आमतौर पर denote किया जाता है, for example a b c up to so on जेड, किसी भी आप लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए मैट्रिक्स की, तो एक मैंने एग्जांपल ये लिखी है, तो आपको मैट्रिक्स में दो चीजें नजर आ रही होती हैं, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसमें जो ऐसी रो होती हैं इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और ये जो लाइंस होती हैं ऊपर की तरफ इनको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। तो जो मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं रोज, कितारे, उसके बाद जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम्स, कॉलम। तो यही बात हम लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस in a matrix are called columns। तो जो horizontal lines होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं rows, और जो vertical lines होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं columns बोलते हैं उनको। तो दो main चीजें होती हैं matrix, इसी matrix में rows और columns। तो किसी भी मैट्रिक्स में आपको देखकर ये बताना आना चाहिए कि उसमें रोज कितनी हैं और उसमें से कॉलम्स कितने हैं। तो अभी हमने बात की है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उनको हम रोज बोलेंगे, जो वर्टिकल लाइंस होंगी उनको हम क्या बोलेंगे कॉलम्स बोलेंगे। अब अगर हमें कॉलम्स और रोज इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया है, तो नेक्स्ट वन जो हमारा हमारी जो बात होती है, हमारा टॉपिक है जो, वो आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, के किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स को देख के आपको बताना आना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, हम उसको डिस्कस करते हैं।
तो ये रिलेटेड है रोज से और कॉलम से। आपको रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट अगर समझ में होगा तो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर होगा। रोज और कॉलम क्या है, मतलब कि आपको देख के किसी मैट्रिक्स को बताना आना चाहिए कि इसमें रोज कितनी है और इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं जी, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स। एक मैट्रिक्स मेरे पास है जिसका नाम मैंने ए रख लिया है, उसमें से मैंने काउंट की रोज, उसमें मैंने कहा एम रोज है और एन कॉलम्स है। देन एम बाय एन, पहले हम रोज की तादाद लिखेंगे फिर कॉलम्स की तादाद लिखेंगे। एम बाय एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। डिनोटेड बाय ओ आर डी ऑफ ए, कि ओ आर डी लिख देंगे इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए। इसकी एग्जाम्पल हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और वो इस तरह से है 1, 2, 5, 0, -6 और 7। ये मैट्रिक्स मेरे पास है तो अगर इसका मुझे ऑर्डर बताना है तो देखें जी इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, या ओ आर डी सिर्फ लिख दें, ये होगा ऑर्डर ऑफ ए। ये इक्वल किस तरह किसके होगा, आप इसमें से रोज बताएंगे, ये रोज है, ये रोज, कितनी रोज है इसमें, 2। पहले हम रोज की तादाद को लिखते हैं फिर क्या लगाते हैं, बाय, उसके बाद इसमें से कॉलम्स देखने हैं तो अब वर्टिकल लाइंस लगाते हैं 1, 2 और ये 3। तो कितने कॉलम्स है इसमें, 3 कॉलम्स है, तो ये इसमें 3 कॉलम्स आ गए, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2/3। 2/3 का मतलब ये है कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम इस तरह से बता सकते हैं कि उसमें से हम रोज को काउंट करें और उसके बाद कॉलम्स को काउंट करें, उसके बाद रोज को पहले लिखेंगे उसके बाद बाय लगाएंगे और कॉलम्स को लिखेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने क्या किया, पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस किया, उसमें आपको मैंने ये बताया कि आप लोगों के पेपर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद हमने देखा कि उनकी डिवीजन किस तरह से होती है नंबर्स की, एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन में खासतौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वो सेक्शंस में आते हैं, आपको इसमें 3 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में से आपको 6 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो पेपर पैटर्न के बाद हमने बात की कि जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, वो हमारा क्या था, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में हमने क्या बात की, मैट्रिसेस में हमने पहले तो बात की इसमें से कितने मार्क्स आपको पेपर में आपको आएंगे, 2 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और इसके अलावा 1 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएगा जो कि 1.6 में से आता है। उसके बाद हमने मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देखा, इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन में हमने इसको डिफाइन किया और उसके बाद हमने देखा कि इसको सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें के बाद हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, उनको हमने डिफाइन किया कि रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया कि आपको किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स बताए तो आप उसका ऑर्डर जो है वो बता सकते हैं, कैसे रोज को पहले लिखते हैं फिर बाय और कॉलम्स को बाद में लिखते हैं, आप इस तरह से उसका ऑर्डर बता सकते हैं।
इसी तरह से आपके जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर फॉर मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप ऑर्डर दे के उसका बता सकते हैं कि उसमें कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, तो उसी तरह से आपने उसका ऑर्डर लिख देना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।